तो ध्यान दो बच्चों, आज के फिजिक्स के इलेक्ट्रिसिटी के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है इसको ध्यान से बच्चों समझना है, और एक्सप्रेशन बोर्ड वगैरह में बहुत पूछता है इसलिए ध्यान देना है। देखो बच्चों, अगर किसी भी कंडक्टर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कंडक्टर के अंदर, वह सभी इंटरनल एनर्जी थर्मल एनर्जी से इधर उधर मूव करते रहते हैं। यहां पे अगर मान लो दो इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के अंदर है, दो फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन अगर इधर जाता है तो एक इलेक्ट्रॉन इधर जाता है, तो नेट फ्लो ऑफ चार्ज जीरो होता है किसी भी कंडक्टर में। अगर मान लो 10 इलेक्ट्रॉन है तो ऐसे मूव करेंगे कि नेट वेलोसिटी फ्री इलेक्ट्रॉन का जीरो होगा। नेट वेलोसिटी जीरो है, थर्मल एनर्जी से अपना रैंडम मोशन इधर उधर अपना मूव करते रह रहा है, ठीक है। तो अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन मान लो ऐसे गया, किसी इलेक्ट्रॉन से टकराया, ऐसे आया, इस तरह अपना इलेक्ट्रॉन अपना रैंडमली इस तरह मूव कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन के मोशन को हम देख रहे हैं। अगर इस कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया गया, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बच्चों? तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज, चार्ज पर लगने वाला फोर्स, जो प्लस चार्ज को धकेलता है, रिपेल करता है, और माइनस को खींचता है। तो इलेक्ट्रॉन को खींचे लगेगा वह, तो इलेक्ट्रॉन को खींचे लगेगा, तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन को खींचने लगेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन का पाथ जो है, यह जो पाथ था वह बदल के ऐसे ऐसे शिफ्ट करने लगेगा। तो जो भी इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे रेंडम मोशन कर रहे थे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन रेंडम मोशन में होंगे, सभी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण खींचाने लगेंगे और खींचा कर यहां पे निकलने लगेंगे, या कंडक्टर से बाहर निकलने लगेगा। तो कंडक्टर को क्रॉस करने में, क्रॉस करते टाइम इस इलेक्ट्रॉन का एक वेलोसिटी होगा, एक और इलेक्ट्रॉन होगा उसका एक वेलोसिटी होगा, एक और इलेक्ट्रॉन उसका वेलोसिटी, कोई इधर भी जा रहा होगा तो धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड उसे रोक दिया होगा, फिर वापस खींच के इधर लाया होगा। तो किसी भी कंडक्टर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्री चार्जेज होते हैं जो थर्मल एनर्जी से रैंडमली मूव करते रहते हैं, लेकिन उनका मूवमेंट इस प्रकार से होता है कि नेट वेलोसिटी जीरो होता है, ठीक है। अगर उस कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के लिए वोल्टेज अलग अलग कर देते हैं, इधर अलग वोल्टेज कर देते हैं, इधर अलग वोल्टेज कर देते हैं, तो वोल्टेज अगर अलग अलग कर दोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, वह इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स लगाएगा, अट्रैक्टिव फोर्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज है, तो सभी इलेक्ट्रॉन इधर की ओर मूव करने लगेंगे। मान लो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, कोई इधर चल रहा था, 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 तो सभी पर इधर की ओर एक इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण फोर्स लगने लगेगा, और सभी इलेक्ट्रॉन इस तरह से ऐसे गैस की तरह मूव करने लगेंगे, और मूव करते करते यह इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे कंडक्टर से, फिर सर्किट में, क्लोज सर्किट में घूम के करंट क्रिएट करेंगे। तो यहां पे निकलते वक्त सबका अपना एक वेलोसिटी होगा, उस निकलते समय सबका अपना एक वेलोसिटी होगा, उन वेलोसिटीज का एवरेज को ही हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। मान लेते हैं 20 इलेक्ट्रॉन है, समझो बच्चों, और 200 इलेक्ट्रॉन कभी ना कभी तो आके यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड कारण खींचा के निकलेगा, कोई अलग टाइम में खींचा के निकलेगा, कोई अलग टाइम में, कोई इधर मूव कर रहा है, कोई इधर। निकलते टाइम में सबका एक वेलोसिटी होगा, उस वेलोसिटी के एवरेज को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। ध्यान से समझना बच्चों, देखो, लेट U1, U2, U3, ...... बी इनिशियल वेलोसिटीज ऑफ इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड कंडक्टर, किसी कंडक्टर के अंदर एन फ्री इलेक्ट्रॉन्स है और सबका इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है। वी नो डैट, हम जानते हैं कि किसी भी कंडक्टर के अंदर चार्ज होते हैं, किसी भी सबस्टांस के अंदर मॉलिक्यूल सिस्टम होते हैं, वह सभी रैंडम मोशन में होते हैं थर्मल एनर्जी से,
इस प्रकार से मोशन में होते हैं कि सबका नेट वेलोसिटी जो होता है, सबका नेट वेलोसिटी जो होता है वह जीरो होता है। नेट वेलोसिटी जीरो है यानी कि नेट मूवमेंट ऑफ चार्ज नहीं है। नेट मूवमेंट ऑफ चार्ज मतलब एक इधर मूव किया तो एक इधर मूव किया, तो नेट वेलोसिटी क्या हो गया? जीरो। एक ऊपर मूव करता है तो एक जस्ट नीचे मूव करता है, एक इधर मूव करता है तो इधर मूव करता है, मतलब नेट वेलोसिटी क्या होता है बच्चों? जीरो होता है। क्लियर? तो नेट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं कंडक्टर के अंदर? जीरो होते हैं। ठीक। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज अप्लाइड अक्रॉस कंडक्टर, अप्लाइड अक्रॉस कंडक्टर, कंडक्टर के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने लगेंगे अगर हम, ठीक, तो फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन ईच ऑफ चार्ज, ईच ऑफ इलेक्ट्रॉन, सभी इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगने लगेगा, उसका वैल्यू माइनस ई होगा। देखो माइनस क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में वो फोर्स को महसूस करेगा, तो एक्सीलरेशन ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन, एक्सीलरेशन जो उत्पन्न हो गया ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा? तो फोर्स बाय मास, तो माइनस ईई बाय एम। यहां पे ध्यान दो बच्चों, यहां पे जो फोर्स लिखे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डिफिनीशन होता है वह फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज होता है। फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो फोर्स बराबर हो गया बच्चों क्यूई, फोर्स का वैल्यू आ गया क्यू इंटू ई, तो यहां पे चार्ज है ई इंटू ई। इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर अगर लिखेंगे और फोर्स को भी वेक्टर लिखेंगे तो माइनस लिखे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर लगेगा तो इलेक्ट्रॉन का फोर्स इधर लगेगा। एक्सेलरेशन क्या होता है? तो फोर्स बाई मास होता है। इस बेसिस पर हमारे यहां तक हम बातें को पहुंचा दिए। तो हर एक बॉडी पर हर एक जो इलेक्ट्रॉन थे जिनके अलग अलग वेलोसिटी था सबका एक एक्सेलरेशन आ गया। ठीक है। लेट वी वन वी टू वी थ्री डॉट 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 वी एन वेलोसिटीज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वेलोसिटीज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ड्यूरिंग क्रॉसिंग द कंडक्टर, क्रॉसिंग द कंडक्टर, कंडक्टर को क्रॉस करने टाइम में वेलोसिटी मान लो बदल के वी वन हो गया, पहले यू वन था, मान लो किसी भी डायरेक्शन में यू वन था, इलेक्ट्रिक फील्ड लग के खींचा के यहां आ गया, यह है वेलोसिटी वी वन वी टू वी थ्री वी फोर वी फाइव हो गया, डॉट 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 डॉट, इस तरह से हो गया वेलोसिटी। इसे बच्चों नोट करो, इसमें इस बताया क्या है कि किसी भी कंडक्टर के पास फ्री चार्जेज होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो रैंडम मोशन में होते हैं, इस प्रकार से रैंडम मोशन में होते हैं कि नेट वेलोसिटी जीरो होता है। तो शुरुआत में सभी फ्री इलेक्ट्रॉन्स का एक वेलोसिटी मान लिए, वह नेट वेलोसिटी जीरो कर दिए। जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का काम है चार्जों पर फोर्स लगाना, प्लस चार्ज को धकेलना, माइनस चार्ज को खींचना। तो कंडक्टर के पास होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स के पास होता है निगेटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसको खींचेगा यानी उल्टा डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, और क्या फोर्स लगाएगा? तो माइनस ई। फोर्स लगाते एक्सेलरेशन हो गया हर एक इलेक्ट्रॉन के पास, और एक्सेलरेशन के कारण उनका वेलोसिटी बदल जाएगा। और किसी भी इलेक्ट्रॉन का अपना एक वेलोसिटी था, उस इलेक्ट्रॉन पे तुम फोर्स लगा दिए तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर दिए, और एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के कारण उसका वेलोसिटी तुम बदल दिए, तो वेलोसिटी हो गया वी वन वी टू वी थ्री, बाद में यह सभी वेलोसिटी हो गया। इसे बच्चों एक स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लोगे। आगे बढ़ाते हैं, ध्यान दो, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें बता रहे हैं, ध्यान पूर्वक मेहनत से सब कुछ समझना है, मेहनत करते रहोगे इलेक्ट्रिसिटी बहुत शानदार होने जा रहा है तुम्हारा, ध्यान दो बच्चों। तो हम जानते हैं कि v बराबर कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए v बराबर u प्लस at होता है, तो v1 बराबर पहला इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी u1 था, एक्सेलरेशन की जगह माइनस ee by m, टाइम की जगह tau1 लिख दे रहे हैं, v2 बराबर u2 माइनस ee by m और tau2, v3 बराबर u3 माइनस ee by m और tau3, डॉट डॉट डॉट, vn बराबर un माइनस ee बाई एम और tau n।
वेयर टाउ वन टाउ टू टाउ थ्री डॉट 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 जो टाउ वन आया है वो टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन्स इन क्रॉसिंग कंडक्टर देखो बच्चों ध्यान देना, हर एक इलेक्ट्रॉन अलग अलग जगह, कोई यहां है 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 कोई यहां है, कोई इधर चल रहा है 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 कोई इधर चल रहा है। इनिशियली जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाए तो सभी इलेक्ट्रॉन को इधर डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन मिला, तो सभी इलेक्ट्रॉन इधर की ओर शिफ्ट करने लगे फोर्स के कारण। कोई इधर चल रहा था तो धीरे धीरे जाके रुकेगा फिर धीरे धीरे शिफ्ट करेगा, तो हरेक को पार होने में कंडक्टर को पार करने में अलग अलग टाइम लगेगा, तो सबका टाइम लिख दिए। पहला इलेक्ट्रॉन को पार करने में टाउ वन टाइम लगा, दूसरा को टाउ टू, तीसरा को टाउ थ्री, फिर लास्ट वाले को टाउ वन। ठीक है बच्चों, इसे हटाते हैं, फिगर नोट कर लिए होंगे, समझ गए होंगे, तो ध्यान दो बच्चों। अब यहां पे मेरा बात आता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता क्या है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वीडी, वह होता है V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट 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 VN बाई N, यानी कि सभी थ्री इलेक्ट्रॉन्स को निकलते समय अपना एक वेलोसिटी होगा, सभी वेलोसिटी का एवरेज को ही हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। तो वीडी अगर हम लिखेंगे तो लिखेंगे UE U1 माइनस EE बाई M टाउ वन प्लस U2 माइनस EE बाई M टाउ टू प्लस डॉट 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 ऐसे लिखते जाएंगे UN माइनस EE बाई M टाउ N बाई N। क्लियर है बच्चों? तो वीडी मेरा यहां पे आया U1 प्लस U2 प्लस डॉट 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 UN, एक साथ कर दिए U1 U2 U3 सब UN एक साथ ले लिए, अब माइनस EE बाई M एक साथ लिए टाउ वन टाउ टू डॉट 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 टाउ N सबका बाई N। क्लियर? तो वीडी बराबर लिखेंगे तो लिखेंगे जीरो, इसका वैल्यू जीरो है। स्टार्टिंग में बताए थे कि सभी प्री इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन में होंगे थर्मल एनर्जी के कारण, लेकिन नेट वेलोसिटी जीरो होगा क्योंकि किसी भी कंडक्टर के पास नेट मूवमेंट ऑफ चार्ज जीरो होता है इनिशियली, जब तक कि वोल्टेज क्रिएट न करो, वोल्टेज का डिफरेंस क्रिएट न करो। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी आइसोलेटेड कंडक्टर के पास, अकेले कंडक्टर के पास जीरो होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो फोर्स नहीं है, तो सब भाई जैसा है वैसा इधर उधर इधर उधर मूव करके नेट वेलोसिटी जीरो दे रहा है। माइनस ईई बाई एम, इसको लिख दिए टाउ वन प्लस टाउ टू प्लस डॉट 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 टाउ एन बाई एन। क्लियर है बच्चों? तो वीडी बराबर हो गया माइनस ईई बाई एम टाउ। देखो यहां जो टाउ है वह एवरेज टाइम है, हर एक इलेक्ट्रॉन अलग अलग टाइम लगा रहा है, तो हर टाइम का एवरेज निकाल लिए टाउ वन प्लस टाउ टू प्लस टाउ थ्री प्लस टाउ डॉट टाउ वन बाई एन, जहां टाउ जो है वह रिलैक्सेशन टाइम है। जो टाइम है बच्चों उसे हम लोग रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। तो यही तुम्हारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ गया। स्कूल एग्जामिनेशन में, बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन निकालो। क्लियर? नोट कर लोगे इसे? इसके एक्सप्रेशन में कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, सबका फाइनल वेलोसिटी निकाल कर एवरेज निकाल दिए, यूवा इनिशियल वेलोसिटी का सम तो जीरो था ही, और सबका एवरेज टाइम को टाउ ले दिए, उसे रिलैक्सेशन टाइम या एवरेज टाइम कहते हैं। यहां से अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में बात किया जाए बच्चों, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में बात किया जाए तो हम लोग लिख सकते हैं कि व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड अक्रॉस कंडक्टर के अक्रॉस जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है, देन एवरेज ऑफ
फाइनल वेलोसिटीज ऑफ ऑल फ्री इलेक्ट्रॉन्स ड्यूरिंग क्रॉसिंग कंडक्टर 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 इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बात को ध्यान समझना, जब किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हो तो सभी फ्री इलेक्ट्रॉन्स का जो फाइनल वेलोसिटी आया v1 v2 v3 आया उसका एवरेज निकालना ही ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है। तो यह कॉन्सेप्ट बहुत साफ है कि किसी भी कंडक्टर के पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यह सभी फ्री इलेक्ट्रॉन्स थर्मल एनर्जी से मूव करते रहते हैं, ठीक है, थर्मल एनर्जी से अपना रैंडम मोशन में ऐसे 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 मूव करते रहता है। लेकिन नेट वेलोसिटी जीरो होता है तो किसी भी कंडक्टर के पास नेट फ्लो ऑफ चार्ज जीरो होता है, जबकि चार्ज अंदर रैंडम मोशन में थर्मल एनर्जी के कारण होते हैं। जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे, जिसे करने के लिए यहां पे अलग वोल्टेज और यहां पे अलग वोल्टेज देना पड़ता है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हो तो सभी इलेक्ट्रॉन पर एक सर्टेन डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स महसूस होता है, जिसके कारण सभी इलेक्ट्रॉन का इधर की ओर एक एक्सेलरेशन महसूस होता है। उस एक्सेलरेशन से सभी इलेक्ट्रॉन्स खिंचाकर कंडक्टर से बाहर निकलने लगते हैं। बाहर निकलते समय सभी फ्री इलेक्ट्रॉन्स का अपना अपना वेलोसिटी होता है, सभी वेलोसिटी का एवरेज निकाल देना ही ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है। बच्चों उम्मीद करते हैं आज यह जो क्लास तुमको हम बताए कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, लास्ट में डिफिनेशन लिखे और पहले एक्सप्रेशन कराए और उससे जुड़ा हुआ सब बात भी बताए, तुम लोग समझ गए होगे। इसे हटाते हैं बच्चों, मिटाते हैं, नोट करते रहना है, नोट्स बनाते रहना है, खुद से बनाया गया नोट्स ही तुमको बोर्ड में 100 नंबर की ओर बढ़ाएगा। देखो तुम 100 नंबर की ओर जरूर बढ़ोगे फिजिक्स में, 70 नंबर का थ्योरी पेपर होता है, 30 नंबर का प्रैक्टिकल पेपर होता है। बच्चों अब इस साल सिलेबस क्या होने वाला है पता तो है नहीं, लेकिन फिर भी फ्यूचर में तुम्हारे जो सीनियर बच्चे होंगे या तुम्हारे जो जूनियर बच्चे होंगे तुमसे अधिक पढ़ेंगे अगर तुम रुक गए तो। तुम अगर सोचते हो कोई चैप्टर हम स्किप कर जाए छोड़ जाए, तो तुमको सबका मुकाबला करना है, लाइफ बहुत बड़ा है, इसलिए टोटल पढ़ने पर ध्यान दो अभी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब हमारा अगला कॉन्सेप्ट आता है रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करेंट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक करंट के बीच में रिलेशन, बहुत ही स्पेशल कॉन्सेप्ट है। तो कोई एक कंडक्टर है, ध्यान से समझना, कोई एक कंडक्टर है जिसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिए हैं, कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया ए दिया हुआ है, ठीक है। लेटर देयर बी ए यूनिफॉर्म कंडक्टर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, माना कि कोई यूनिफॉर्म कंडक्टर है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, ठीक है बच्चों। लेट एन बराबर नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड कंडक्टर। देखो कोई भी कंडक्टर होता है तो उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो थर्मल एनर्जी से रैंडम मोशन करते हैं। अलग अलग कंडक्टर में अलग अलग कंडीशन में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग होता है, ठीक है। तो यहां पे नंबर डेंसिटी फ्री इलेक्ट्रॉन का दे दिया है। नंबर डेंसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बाई वॉल्यूम। एन का वैल्यू हमें पता है, तो अगर हम एक छोटा सा लेंथ लेते हैं डेल्टा एल, एक छोटा सा लेंथ लेते हैं बच्चों डेल्टा एल, तो इस डेल्टा एल लेंथ में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे,
इस डेल्टा एल लेंथ में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन लेंथ डेल्टा एल ऑफ कंडक्टर, तो लिखेंगे एन इंटू वॉल्यूम, तो वॉल्यूम के जगह लिख देंगे एरिया इंटू थिकनेस। वॉल्यूम क्या लिखते हैं, एरिया इंटू थिकनेस, तो एरिया है ए और थिकनेस है डेल्टा एल। अब इस डेल्टा एल लेंथ में फ्री इलेक्ट्रॉन्स इतने हैं, तो क्या होगा चार्ज। इस डेल्टा एल लेंथ में फ्री इलेक्ट्रॉन्स का नंबर पता है, देखो बच्चों एक इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज होता है ई, दो इलेक्ट्रॉन के पास टू ई, थ्री इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो थ्री ई, तो एन इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन के पास ई चार्ज है तो एन इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज होगा एन ई, तो यहां पे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो एन ए डेल्टा एल, ठीक है। तो नंबर, तो टोटल चार्ज जो होगा इन डेल्टा एल लेंथ, इन लेंथ डेल्टा एल होगा क्या एन ई, तो एन की जगह नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना दिया है इनटू ई, ठीक है बच्चों। तो डेल्टा क्यू की वैल्यू, इसलिए डेल्टा क्यू की वैल्यू क्या हो गई, तो एन ए डेल्टा एल इनटू ई, क्लियर। अब देखो इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, हम जान गए हैं। अगर यहां पे इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दोगे तो सब इलेक्ट्रॉन खींचा खींचा के बाहर निकलने लगेगा। तो निकलते टाइम में, इस लेंथ से बाहर निकलते टाइम में सबका अपना अपना एक वेलोसिटी होगा, और सब वेलोसिटी का एवरेज, सब वेलोसिटी का जो एवरेज होता है उसी को ना हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। यानी कि डेल्टा एल क्रॉस करने में जो सभी इलेक्ट्रॉन्स का एवरेज वेलोसिटी होगा उसी को हम लोग कहेंगे एवरेज वेलोसिटी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। तो यहां एक एवरेज करंट निकालते हैं, ठीक है। लेट डेल्टा टी एवरेज टाइम इंटरवल टेकन बाय ऑल इलेक्ट्रॉन्स ऑफ लेंथ डेल्टा एल टू क्रॉस लेंथ, एवरेज टाइम इंटरवल इसे हम लोग मान लेते हैं, सभी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका एवरेज टाइम इंटरवल इसको क्रॉस करने में, डेल्टा एल को एवरेज क्रॉस करने में हम लोग टाइम डेल्टा टी मान ले रहे हैं। तो एवरेज इलेक्ट्रिक करंट अगर हम लेते हैं तो आई लिख देंगे बच्चों, आई बराबर डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी लिख देंगे। तो आई लिख देंगे अगर डेल्टा क्यू, तो क्या है डेल्टा क्यू, एन ए डेल्टा एल इंटू ई बाई डेल्टा टी, क्लियर। इसे बच्चों नोट करते जाओगे आगे बढ़ते हैं हम लोग, हमको करंट निकालना था इसलिए हम लोग करंट निकाले हैं, ठीक है। इसको नोट करते जाओगे, सब 2 मार्क्स में बोर्ड में पूछता है और इससे जुड़ा हुआ बाकी पीछे तो मिलाकर बहुत आगे क्वेश्चन को हम लोग बढ़ा लेंगे। अब यहां से मेरा कॉन्सेप्ट आया कि आई बराबर एन ए और डेल्टा एल बाई डेल्टा टी, डेल्टा एल हो गया डिस्प्लेसमेंट और बाई टाइम, एवरेज डिस्प्लेसमेंट बाई एवरेज टाइम, सभी इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा चला गया जो एवरेज डिस्प्लेसमेंट था और एवरेज टाइम इंटरवल था, यही एवरेज स्पीड आ गया, एवरेज वेलोसिटी आ गया, और एवरेज वेलोसिटी को ही ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। तो वेयर वीडी जो दिख रहा है तुम्हें वही तुम्हारा क्या है बच्चों, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, जो इसको लिखे हैं डेल्टा एल बाई डेल्टा टी, मतलब डेल्टा एल एवरेज डिस्टेंस था सभी इलेक्ट्रॉन्स को क्रॉस करने के लिए, कोई यहीं से क्रॉस कर गया, कोई यहां से, सबका एवरेज था डेल्टा एल और डेल्टा टी, तो सभी इलेक्ट्रॉन्स के एवरेज वेलोसिटी को नहीं ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। यह एवरेज करंट निकाल रहे हैं तो जो वेलोसिटी निकाल रहे हैं वह सभी इलेक्ट्रॉन्स का एवरेज निकाल रहा है, वही तुम्हारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी बराबर क्या आ गया बच्चों, आई बाई एन ए, क्लियर। दिस इज
रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में यह क्या है बच्चों, रिलेशन। ठीक है, तो यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का दोनों एक्सप्रेशन बहुत ही जरूरी है। अगले क्लास में जब हम लोग आएंगे तो इसी कॉन्सेप्ट को आगे दोनों को मिलाकर बताएंगे, इस रिलेशन को और उस रिलेशन को मिलाकर कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए इन दोनों के एक्सप्रेशन को कंप्लीट करोगे बच्चों। अब यहां ध्यान दो, एक कंडक्टर है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिए तो करंट बहने लगेगा। ठीक है बच्चों, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, मतलब टोटल चार्ज फ्लोज बाय टोटल टाइम इंटरवल को हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट बहने लगा, यहां किसी भी कंडक्टर का एक क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, समझो। तो इलेक्ट्रिक करंट, बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया आई अपॉन ए, आई टोटल कंडक्टर से करंट बह रहा है आई, और उस कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया है ए, और इसे हम लोग बोलते हैं करंट डेंसिटी, इसे जे से बच्चों डिनोट करते हैं, आई बाई ए, ऐसा यूनिट एम्पियर, पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, करंट डेंसिटी जो है वेक्टर क्वांटिटी है और इसका डायरेक्शन कन्वेंशनल करंट के डायरेक्शन में होता है। आगे पढ़ोगे फ्यूचर में कि करंट जो होता है ना, करंट वह जे वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर का करंट मिलता है। यह बात का आगे का क्या क्लास है, यह भी ध्यान नहीं देना है। करंट डेंसिटी और एरिया वेक्टर, के डॉट प्रोडक्ट से करंट मिलता है। करंट सिंस डॉट प्रोडक्ट से प्राप्त होता है इसलिए यह एक स्केलर क्वांटिटी है। तो करंट डेंसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी, एंड इट्स डायरेक्शन इज इन द डायरेक्शन ऑफ, कन्वेंशनल करंट, या कन्वेंशनल करंट के डायरेक्शन में होता है। ठीक, अभी तुम पढ़े कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी जो होता है वह होता है बच्चों आई बाई एन ए, या पढ़े आई बाई ए को तुम जे पढ़ गए तो जे बाई एन ई, यह भी फॉर्मूला होता है करंट डेंसिटी का। आज हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है यह मेनली बात बताए हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी में, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक और जो मेन फॉर्मूला लाए हैं माइनस ई बाई एम आर टाउ बताए हैं। ठीक है, यह बात बताया है। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट क्लास आज का रहा, इसके पीछे हम लोग क्या क्या पढ़े थे बच्चों। तो चार्ज अगर मोशन में हो एक क्लोज सर्किट में कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से तो उसे हम लोग इलेक्ट्रिक करंट, उस पढ़ाई को कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ने में चार्ज का कॉन्सेप्ट जानना है। तो चार्ज किसी भी बॉडी के पास इंटरनल कैरेक्टर होता है। बॉडी में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, एलिमेंटल पार्टिकल्स। चेक किया गया तो देखा गया कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के पास मास के अलावा भी प्रॉपर्टीज है, उस प्रॉपर्टीज को चार्ज कहा गया। उन चार्ज की प्रॉपर्टी के कारण इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है, और इलेक्ट्रिक फोर्स है चार्ज है तो वो अपना करेक्टर भी शो करेगा। रेस्ट में रखे हुए चार्जों के बारे में पढ़ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाता है, और चार्ज अगर मोशन में है उसके बारे में पढ़ना इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहलाता है। इलेक्ट्रिसिटी में कॉन्स्टेंट वेलोसिटी होता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आगे बढ़ जाओगे तो वेरिएबल वेलोसिटी भी पढ़ने लगोगे। फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों, तो देखते हैं कि अगर किसी भी कंडक्टर में बहुत सारे फ्री चार्जेज है, लेकिन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, उसके अंदर फोर्स नहीं है, फोर्स प्रोवाइड करना पड़ता है, कैसे करते हैं तो वोल्टेज अलग अलग देने से इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है, वह इलेक्ट्रिक फील्ड चार्जों को खींचे या धकेले लगता है, जिसके कारण चार्ज मूवमेंट में आ जाते हैं, और उस मूवमेंट के कारण इलेक्ट्रिक करंट क्रिएट होता है। इलेक्ट्रिक करंट क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। और आज एक बहुत ही शानदार टॉपिक बताया गया है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और उसके दो क्वेश्चन जो बोर्ड में बहुत जरूरी है। तो कॉन्सेप्ट, दोनों क्लास के कॉन्सेप्ट को पढ़ो, समझो। मिलते हैं अगले क्लास में इसके आगे के थ्योरी को लेकर।